देखो, जब आप यहाँ दबाते हो दो फिंगर रख के टैप करोगे, एक तरफ से प्रेस करोगे तो एक तरफ से उठ जाता है एंड सेकंड साइड से, तो दिस इज व्हाट फ्लक्चुएशन इज प्रेजेंट। तो ये दिस टेस्ट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन टेस्ट। तो इसको दिस शोज दैट देर इज अ फ्लूड इनसाइड। अब व्हाट काइंड ऑफ फ्लूड, फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द अदर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो फर्स्ट टाइम आए थे तो मैंने इनका फ्लूड थोड़ा सा एस्पायरेट करके टेस्ट के लिए भेजा था, बिकॉज आई वॉज सस्पिशियस ऑफ कि वेदर इट मे बी इन ट्यूबरकुलर और मे बी इट हैज़ रीच टू बोन, तो इट मे बी द ऑस्टियोपैलेटिक चेंजेस। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है, अभी ये बोन तक भी नहीं पहुँचा है और ये फ्लूड स्ट्राइल था ना, ये आपका स्ट्राइल आया है, तो मे बी कि ये ट्यूबरकुलर हो। ठीक है, तो वॉट वी हैव टू डू कि वी हैव टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अभी तो हम इसको निकाल के इनको रिमूव कर दे रहे हैं, तो बट क्योंकि इन्फेक्शियस है तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, हम सिरिंज से ही निकाल के और सिरिंज एज सच डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, और फर्दर हम इनको इन्वेस्टिगेट कराएंगे ऑन द लाइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, ओपन करके दर्द नहीं है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये पेनलेस है। अगर ये बोन तक होता तो इट शुड बी द टेंडरनेस और पेनफुल। सैबलम में भी कर दीजिए आराम से। ब्लड का कुछ जांच आपका कराएंगे, तो आप शुगर को कंट्रोल करिए। ठीक है, और ब्लड का टेस्ट कराइए। Can see this is what is the color of the fluid, it is pinkish in color. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ऑलमोस्ट टेनेबल। ठीक है, तो टेनेबल आया है एकदम टैप हो गई, बट क्योंकि हमने ये ओपन नहीं किया, हमने सिर्फ सिरिंज से निकाला, ये दोबारा का रख नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये पूरा मार्जिन बना है, इसको सील करके सिस्टर थ्रो करना है। ठीक है, ठीक है, टच कराइए, टाइट बैंडेज बनाएंगे। डिप्रेशन देख रहे हैं आप, है ना, दिस इज द डिप्रेशन, ये एरिया था इनका जिसमें ये फ्लूड कलेक्ट। सही बैंडेज करते हैं इनका। बैंडेज करेंगे टाइट टाइट, नहीं बैंडेज करेंगे। जो आपके पास बचा था ना वही दीजिए, और नेक्स्ट स्टेप आपका टाइट कर देंगे। टाइट इसलिए बांधेंगे ताकि ये अगर छोड़ देंगे तो फिर से इसके अंदर कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैविटी है, अभी स्पेस है।
टाइप वालों में से मे भी कि ये कलेक्शन है। क्या काम करते हैं मैं ऑफिस वर्क करता हूँ। क्या सिक्योरिटी एजेंसी है मैं। सिक्योरिटी एजेंसी तो आप भी एज ए सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। हम सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड कराते हैं मतलब बहुत खड़े खड़े काम नहीं है आपका। खड़े भी हैं बैठ के भी बैठ के भी है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि इस पैर को रेस्ट देना पैर ऊंचा करके ठीक है। जब भी बैठे तो पैर ऊंचा करके बैठे। फिर देखते हैं कि आपका क्या होगा। टेस्ट कराने आपको लिख दूंगी और टेस्ट करा के रखिए। फिर देखते हैं अगर कुछ और प्रॉब्लम है।